इस वीडियो में बात करेंगे मिटिगेशन के बारे में। मिटिगेशन क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन क्या होता है, ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन क्या होता है। आप काफ़ी बार एंट्री लेते हो लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप जिस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले रहे हो वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है या नहीं हो चुका है, या उसकी प्रॉबिलिटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और ये कैसे करके काम करता है, उसको कैसे करके रीड कर सकते हैं। ये जो मेरे स्क्रीन पे डायग्राम है जो मैंने कैंडल स्टिक का बनाया है, ये एक बेरिश मार्केट का है। बुलिश मार्केट में भी सेम चीज़ें काम करेंगी। मैं आपको दोनों एग्जाम्पल दूंगा, बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट में। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक्चुअली लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी सेल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है बेरिश मूव में, और लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाय ये आपका बुलिश मार्केट में होता है। बट कैंडल का कलर फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका कैंडल का कलर डिफरेंट भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है आपका कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जनरली हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक जहाँ हम बाय या सेल कर सकें, या POI या फिर ऑर्डर फ्लो। हम इसमें बात करेंगे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की, जिसके बाद हम बात करेंगे आपके ऑर्डर फ्लो की, और दोनों को समझेंगे कि मिटिगेशन कैसे काम करता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। मिटिगेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस इतना है कि जो भी ऑर्डर ब्लॉक हम वहाँ पर बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, बस उसको चेक करना होता है कि वो मिटिगेट हो चुका है या नहीं हुआ है। जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अब हमें आइडेंटिफाई करना है हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल बेरिश मार्केट में, राइट। मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, क्लोजिंग इसके नीचे थी। अगर आप इसमें ऑर्डर ब्लॉक की बात करोगे तो कहाँ पे, ऑब्वियसली टॉप पे दिख रहा है जो लास्ट बाइंग कैंडल है बिफोर द सेल, जो कि यहाँ पे है। तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक ऐसा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई और उसी के बाद नीचे आई है, तो जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है बिफोर दिस ड्रॉप, वही हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है बेरिश मार्केट में। और इसमें कैंडल का कलर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता। ज़रूरी नहीं होता कि आपका बुलिश है, बेरिस भी हो सकता है कैंडल का कलर, बट मेन चीज़ होती है हमें देखना होता है कि लास्ट हाईएस्ट कैंडल कौन सी है जो ऊपर गई है, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप आया। ये काफ़ी दो तीन कंडीशन होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैंडल का कलर। बट मेन चीज़ है कि आपको देखना है कि आपकी जो कैंडल स्टिक है वो कहाँ तक गई है, जो सबसे हाईएस्ट वाली कैंडल स्टिक होती है वही आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो इस वाले में जो बुलिश कैंडल है वो सबसे हाईएस्ट बनाई, उसके बाद मार्केट नीचे आई है। और दूसरा ये होता है कि ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इम्बैलेंस होना ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ पे इम्बैलेंस नोट करोगे तो इस कैंडल का लो जो कि यहाँ पे, और इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ पे, यानी कि प्रॉपर इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर इम्बैलेंस है। और जब मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक होने के बाद में मार्केट पुल बैक करती है, जो हमारी प्रॉबिलिटी होती है कि मार्केट इसको यहाँ पे टैप करे, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मार्केट इसको टैप कर देती है, क्योंकि अब ब्रेक होने के बाद में ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ये अनमिटिगेटेड था। क्यों, क्योंकि इसको किसी भी कैंडल स्टिक ने इसको टैप नहीं किया था। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाली जो कैंडल है इसको यहाँ से स्टार्ट कर देती तो ये हमारा मिटिगेट हो जाता। इसका मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा, कर सकता था, बट इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत वीक हो जाती है। और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता वो हमारा शिफ्ट हो जाता इस वाले पॉइंट से इस वाली कैंडल स्टिक पे, जो कि हम अगर मार्क करेंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा यहाँ से। अब ये वाला हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा नेक्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि ये वाला कैंडल्स ने इसको मिटिगेट कर दिया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो अब कम हो गई है। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें इम्बैलेंस का कंपलसरी होता है होना। अब इन दोनों कैंडल स्टिक के बीच में अगर इम्बैलेंस देखोगे, पहला लो यहाँ पे और दूसरा हाई है, तो इन दोनों के बीच में आपको प्रॉपर इम्बैलेंस दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला जो कैंडल है आपका ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, और ये हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। लेकिन मार्केट ने ऊपर वाले को भी मिटिगेट नहीं किया था, अगर आप ऊपर से देखोगे इसको तो मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं किया था, इसीलिए ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा अनमिटिगेटेड है, और जो हम एंट्री लेंगे वो इस ऑर्डर ब्लॉक के इस पॉइंट पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर इम्बैलेंस दिख रहा है। हम यहाँ पे इसको सेल करेंगे, स्टॉप इसके अबव डालेंगे। तो ये एक तरीका होगा मिटिगेशन और अनमिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का। अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो देखेंगे कि मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस पॉइंट पे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आपके पास में लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द ड्रॉप देखोगे तो दो ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे दिखेंगे। पहला ऑर्डर ब्लॉक आपको ये दिखेगा, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। ये क्यों ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया है और उसके बाद मार्केट नीचे आई है। तो ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा काम करेगा, और ये हमारा अनमिटिगेटेड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कैंडल ने इसको मिटिगेट कर नहीं किया है। कभी ऐसा होता है कि कैंडल मिटिगेट नहीं करती, एक पुल बैक ऊपर जाता है वो मिटिगेट कर देता है, तो भी उसको मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक ही मानेंगे। और इससे अब अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे तो
कौन सा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। अगर हम टॉप की बात करें तो काफ़ी लोग इस कैंडल स्टिक को मार्क करते हैं कि ये पुलिश कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, बट रियलिटी में कैंडल का कलर फर्क नहीं पड़ता है। आपका बेरिश भी हो सकता है, पुलिश भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट जो आपकी हाइएस्ट कैंडल कौन सी गई है जहाँ पे प्रॉपर इम्बेलेंस है, वही आपका प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो आपका जो बेरिश कैंडल है वो यही ऑर्डर ब्लॉक है, बट आपका इसमें बेर जबकि इसमें बुलिश कैंडल का होना चाहिए था, तभी जाकर के ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बट यहाँ पे कैंडल का कलर इम्पैक्ट नहीं डालता, मेन चीज होता है कि कैंडल का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका बिहेवियर कैसा रहा, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैंडल का कलर कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए मैंने दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को सिर्फ कैंडल के कलर के बेस पर ही ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये दोनों हमारे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हैं और दोनों ही अनमिटिगेटेड हैं। अगर इन केस मार्केट यहाँ से इस टाइप से आई है और यहाँ से जाने के बाद में ये जो पुल बैक है ये कैंडल का, ये अगर थोड़ा बड़ा पुल बैक होता, इसको टैप कर देता, इसको फिल कर देता, तो क्या होता, हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक बचता जो कि बॉटम पे है ये वाला, जो कि हमारे लिए एक्सट्रीम हो जाता, एक्सट्रीम भी हो जाता हमारे लिए, डिसीजनल भी हो जाता, क्योंकि यही एक ऑर्डर ब्लॉक बचता। इसी को हम कहते हैं अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी मिटिगेट हो जाता। या फिर मार्केट में ऐसा होता मूव कि ये वाली जो कैंडल है जाता तो भी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, फिल हो जाता, और इस ऑर्डर ब्लॉक को हम फ्यूचर में कभी भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत बीकर हो जाती है, क्योंकि जो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बीकर हो जाती है। आपको चाहिए फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक विद प्रॉपर इम्बेलेंस, वही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों ही अभी अनमिटिगेटेड है, बट अगर मार्केट इनको मिटिगेट कर देती है तो उनको प्रोबेबिलिटी उसकी कमज़ोर हो जाती है। मिटिगेट का मतलब ये होता है कि एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स वहाँ से फिल हो गए और उसके बाद मार्केट नीचे आई, तो मार्केट वहाँ पे दोबारा से आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इस केस में ये हमारे अनमिटिगेटेड है। अगर फॉर एग्जाम्पल के ये कैंडिडेट कर देती, इसको फिल कर देती, इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारे काम का नहीं है। चाहे मार्केट यहाँ पे दोबारा से आए या रिएक्ट करे या नहीं करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक बचता है जो कि एक्सट्रीम पे है, और ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा फिल हो चुका है, इससे अब वाला भी हमारा फिल हो चुका है, तो सिर्फ हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक बचा जो कि ये है, इसको बोलेंगे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है इस मूव से, तो इसका कोई काम नहीं है। काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसको एक्सटेंड कर देते हैं कि दोबारा से मार्केट यहाँ पे आई, वो आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है, वो आपका मिटिगेट हो चुका होता है, और इसीलिए आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो आपको सही तरीके से सही ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है, तब जा करके आप एक सही ट्रेड ले पाओगे। और आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि आपका जिस पॉइंट में आप एंट्री ले रहे हो प्रॉपर चेक करो कि वो ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा डायग्राम पे देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे करके ये काम करता है मिटिगेट और अनमिटिगेट। तो ये हमारे सामने बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जनरली हम देखते हैं कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे और हमारा ऑर्डर फ्लो कहाँ पे, जहाँ पे हम उसको एंट्री ले सकें। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 2 मिनट का, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जनरली हम देखते हैं हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे और किस एरिया पे हम वहाँ पे बाय या सेल कर सकते हैं, कौन सा मिटिगेटेड है कौन सा अनमिटिगेटेड है, जैसा हमने अभी डिस्कशन किया था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। अगर मैं टॉप से बॉटम तक ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करूँ तो सबसे पहले जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, राइट। अब ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है जिसको एज अ डिमांड काम करेगा, एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, बट ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अनमिटिगेटेड है, बट ये फिर भी काम नहीं किया यहाँ पे, मैं अभी इसका रीज़न भी बताऊँगा। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा बना है वो यहाँ पे बना है मिडिल ऑफ द मूव, और तीसरा ऑर्डर ब्लॉक जो बना है वो यहाँ पे बना है। ये 3 ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली बने हैं जो कि यहाँ पे बने हैं, बाकी सारे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखोगे बने और भी ऑर्डर ब्लॉक हैं, बट वो मिटिगेट हो चुके हैं। अगर हम बॉटम पे बात करें जो कि एकदम बॉटम पे जो इस ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, ये हमारा मिटिगेट हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि ये लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर दिस बाय, वो इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे आएगी हम यहाँ पे बाय करेंगे, बट ये ऑर्डर ब्लॉक तो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, ऑलरेडी फिल हो चुका है। क्यों फिल हो चुका है? क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके इसको फिल कर दिया है, इसका जो कैंडल्स थे उनको फिल कर दिया है। इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर है हमारा वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, इसका कोई भी काम नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे आती भी है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बीकर होगी। अगर हम ऊपर के 3 ऑर्डर ब्लॉक की बात करें जो कि काफ़ी
अनमिटिगेटेड है और काफ़ी प्राइस एक्शन यहाँ जो कि अनमिटिगेटेड है, प्रॉपर इम्बेलेंस भी है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रॉपर फॉलो हुआ है, बट जो एक्सट्रीम वाला था वही क्यों यहाँ पे काम किया है, मैं अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो समझने में। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने से पहले उसका ऑर्डर फ्लो आपको चेक करना होता है कि ऑर्डर फ्लो किधर है, किधर उसका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ऑर्डर फ्लो से ही बनता है। आपको इसके बारे में नहीं पता, आप वीडियो देखना कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक, मैंने वीडियो बनाया इतना ज़्यादा पावरफुल वीडियो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो को समझने में इतना ज़्यादा हेल्पफुल करेगा कि आपने देखा नहीं होगा इस टाइप से कि एक्चुअल में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपके काम का है, कौन सा आपका काम का नहीं है। अगर हम इस वाले सेक्शन में बात करें तो कौन सा हमारा ऑर्डर फ्लो था जो हमारा अनमिटिगेटेड था और उसी को देख करके हमको ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर हम बॉटम से बात करें तो ये लास्ट जो सेलिंग मूव होता है बिफोर दी बाय, वही हमारा होता है ऑर्डर फ्लो बुलिश मार्केट में, और बेयरिश मार्केट में इसका अपोजिट होता है लास्ट बाइंग मूव बिफोर दी ड्रॉप, राइट। तो ये हमारा लास्ट सेलिंग मूव था पूरी मार्केट ऊपर जाने के बाद में, और दूसरा जो हमारा ऊपर था वो यहाँ पे था, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दी बाय वो यहाँ से था। आप कह सकते हो एक पुल बैक जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक। तो मार्केट ने जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने दो ऑर्डर फ्लो क्रिएट की और दोनों ही अनमिटिगेटेड थे। अब इसमें जो एक्सट्रीम वाला था वो क्यों काम करा, यहाँ पे जो पहला वाला था वो काम क्यों नहीं किया, क्योंकि पहला वाला जो ऑर्डर फ्लो हो या आपका ऑर्डर ब्लॉक हो या रिसेंट लो हो या हाई हो, वो ऐसा इंड्यूसमेंट का काम करता है जहाँ पे आपको कभी भी बाय या सेल नहीं करना होता है। इस वाले पॉइंट पे आप कभी भी बाय या सेल ना करें, क्यों, क्योंकि इसके बिलो अभी भी कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से डेवलप कर देता जैसे यहाँ से गया और उसके बाद में मार्केट दोबारा आती, तब ये ऑर्डर ब्लॉक काम करता और इसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती। और दूसरा ये कि अगर आप एक्सट्रीम वाले को नोट करोगे तो यहाँ से जो मार्केट गई है कुछ इस टाइप से गई है, राइट, और ऊपर जाने के बाद में इसी लो को इंड्यूसमेंट काम किया, मार्केट इस वाले ऑर्डर फ्लो को टैप किया, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है और यहीं से मार्केट ऊपर गई है। और इसी ऑर्डर फ्लो में हमें देखना होता है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। अगर हम इस पूरे ऑर्डर फ्लो में देखें कि हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, तो यही एक कैंडल है जो कि प्रॉपर इम्बेलेंस के साथ में क्रिएट हुई है और यही ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का है। दूसरा इसको आइडेंटिफाई करने का एक और सॉलिड तरीका होता है कि हम कैसे करें कि हमारा हाई प्रॉबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई हो। आप हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को जब आइडेंटिफाई करें उससे प्रीवियस कैंडल का लो मार्क करें, कैंडल ने उसका स्वीप किया है लो, इसका मतलब क्या होता है कि लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हो चुकी है और ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कम्पेयर टू ये सारे ऑर्डर ब्लॉक के, क्योंकि ये सारे नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक हैं और ये जब लिक्विडिटी स्वीप करता है कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। और अगर इससे नीचे की बात करोगे, ये सारे बेयरिश कैंडल बने हैं, मार्केट ऊपर गई है, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इन सारे कैंडल स्टिक में, ये सारे जो कैंडल स्टिक बनी है वो सारे के सारे आपके मिटिगेट हो चुके हैं। इस कैंडल को ब्रेक किया बट थर्ड कैंडल जो आई ब्लैक वाली उसने इसको फिल कर दिया, यानी कि ये मिटिगेट हो चुका है। अब ये वाली बेयरिश कैंडल को हम मार्क करेंगे तो आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल ब्रेक किया, थर्ड कैंडल ने इसको फिल कर दिया, ये वाली यहाँ से फिल हो गई, मतलब सारे ऑर्डर ब्लॉक ये फिल हो गए, इनके बीच में कोई भी प्रॉपर इम्बेलेंस नहीं है। अगर इस कैंडल की बात करें, इसमें कैंडल का कलर हमें ये मार्क नहीं करना है, काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि इस बेयरिश कैंडल को मार्क कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में कैंडल है वो आपकी ये वाली है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ली है और यही आपकी बुलिश जो कैंडल है वही आपका ऑर्डर ब्लॉक है। कैंडल का कलर इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपका बुलिश हो या बेयरिश हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आप कभी भी कन्फ्यूज ना हो कैंडल की कलर को लेकर के, क्योंकि जो एक्चुअल में मोमेंटम जहाँ से आता है वही हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होता है। और ये हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो है, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, राइट, जो कि अनमिटिगेटेड है। यहाँ पे मार्केट ने पुलबैक जरूर दिया बट इसको फिल नहीं किया, अगर ये इसको फिल कर देती तो ये मिटिगेट हो जाता ऑर्डर ब्लॉक, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी हम काम नहीं लेते और ना ही ये ऑर्डर फ्लो हम काम कर रहे थे हमारे, ठीक है। इस वाले में देखोगे यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुई। तो ये होता है मिटिगेशन और अनमिटिगेशन ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने जैसे इसको टैप किया था, मार्केट ने दोबारा से आप देखोगे एक नया ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया यहाँ से, ये पाला पूरा बाइंग मूव सेलिंग मूव है बिफोर दिस बाय, तो ये वाला जो हमारे लिए है ये भी एक बुलिश ऑर्डर फ्लो का काम करता है। मार्केट ने इसको ब्रेकेट ने पुल बैक लिया, ये जो पुल बैक आया है यही हमारा मिटिगेशन होता है और ये इस टाइप से मिटिगेट हो चुका है। अब ऐसा नहीं होगा कि हम कभी भी इसको एक्सटेंड करके इस ऑर्डर फ्लो को यूज़ कर लें या इसके नीचे के बने ऑर्डर ब्लॉक को हम काम कर लें, जैसे कि इस ऑर्डर ब्लॉक को हम काम कर लें और कहें कि ये हमारा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे इम्बेलेंस भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, मार्केट यहाँ पे बाय करेगा। ऐसा नहीं होता है, जब कोई ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हो जाता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। सबसे पहले आपका ऑर्डर फ्लो होता है जो कि ये पूरा जोन है
जो पुल बैक है पूरा, ये अगर मिटिगेट हो जाता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक की जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। चाहे यहाँ पे प्रॉपर इंबैलेंस हो, सब कुछ हो, फिर भी इसकी जो वीकनेस, फिर भी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा वीकर हो जाती है। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसीलिए काम नहीं करता है। अगर हम बात करें दूसरे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, दूसरे ऑर्डर फ्लो के बारे में जो कि यहाँ पे, अब ये हमारा नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो है, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस टाइप से जो कि अनमिटिगेटेड है, तो इन फ्यूचर अगर मार्केट इसको टैप करता है जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाय, क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम यहीं तक दिया है और मार्केट फिर ऊपर गई है, इस कैंडल का स्वीप किया है, इसका मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का है। और इन फ्यूचर अगर मार्केट इस पर टैप होती है, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद, बट अभी रिसेंट में अगर कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर टैप करती है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में नीचे आती है, तो इसको एज अ पुल बैक के बाद में हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इन दोनों के कंपेयर में ये जो अबव वाला है ये हमारे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ज़्यादा वैलिड है, और जो एक्सट्रीम वाला है ये हमारे लिए इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ऑलरेडी फिल हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है। तो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेन चीज होता है आपका ऑर्डर फ्लो। पहले आपका ऑर्डर फ्लो टैप होना चाहिए, उसके बाद में ही आपको देखना होगा कि उसमें जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपके काम का है या नहीं है, तब आप उसको एंट्री कर सकते हो। क्योंकि आप देखोगे ये वाला जो आपका ऑर्डर फ्लो था, राइट, अब ये ऑर्डर फ्लो में ही आपको ऑर्डर ब्लॉक आपने आइडेंटिफाई किया, इससे पहले भी नीचे ऑर्डर ब्लॉक बने थे वो सारे आपके काम के नहीं थे, बट आपका काम कौन सा था? ये वाला, तो आपने उसी को लिया, आपको यहीं पे बाय करना है। इस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, चाहे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, ऑर्डर फ्लो हो, और आपको एंट्री लेने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा।